वही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को मुंगेली जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे, जहां वह मुंगेली के थाना परिसर में नए कानून को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आम जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वही मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली में आज से परिवर्तन हुआ है और यह नए कानूनों को न्याय देने के उद्देश्य से एक व्यापक सोच विचार कर लागू किया गया है, जिसके तहत निश्चित रूप से न्याय प्रणाली में एक अमूलचूर परिवर्तन होने वाला है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को इससे बड़ी सुविधा होगी, जानकारी का आदान प्रदान नियमित रूप से हो सकेगा और इस दृष्टि से ये कार्यालय प्रारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक और बड़ा ऐतिहासिक दिन है, 1 जुलाई को देश में 3 नए कानून आज से लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये आज से लागू हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्याय प्रणाली को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। ये कानून न केवल आत्मा से, शरीर से, भावना से पूरी तरह से भारतीय है जो आज से लागू हुआ है और निश्चित रूप से ये बड़ा परिवर्तन न्याय व्यवस्था में आज से देश में लागू हुआ है। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।